आदम अलैहिस्सलाम से कुछ ऐसे काम होने दिए हैं जो बज़ाहिर नबूवत के मुनाफी थे, नबी भी बनाया मगर उनसे गलती भी हो गई। वो क्या गलती हुई कि अल्लाह ने कहा कि इस दरख्त को मत खाना, मगर आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया, गलती हो गई। तो अब हमसे भी गलती हो सकती है, क्या ख्याल है भाई? अगर हमसे गलती हो और हमें कोई ताना दे, तुम इंसान हो तुमसे गलती हो गई, बोला बस हमारे तो अब्बा से हुई थी, है भाई? अब हमें कोई ताना दे सकता है, अबे तुम्हारे बाप से कभी गलती हुई नहीं, तुमसे कैसे हो गई? हम कहेंगे हमारे बाप से तो हुई है भाई, हमारे बाप से तो गलती हुई, हमसे भी हो गई तो क्या है। लेकिन एक और बात, वो ये कह सकता है कि गलती तो शैतान से भी हुई थी, तो तुम भी शैतान हो, शैतान से भी हुई थी ना। आप लोगों को पता ही नहीं है यार, शैतान का पता है कौन है? हैं? वही ना, गलती तो की थी ना, गलती हुई थी वो, यानी मैं ताबीर वही इस्तेमाल कर रहा हूं ना ताकि बात समझ में आए। तो शैतान से क्या गलती हुई थी? अल्लाह ने कहा था आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, उसने बोला भाई ये क्या है, मैं क्यों करूं, मिट्टी से बनाया। तो अब गलती होना तो शैतान से भी हुई और आदम अलैहिस्सलाम से भी। फर्क क्या है कि अल्लाह फरमाते हैं कि फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमा, जब आदम से गलती हुई इतना पछताए, इतना पछताए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अल्फाज नहीं थे कि मैं कैसे अल्लाह से गिड़गिड़ाऊं, कैसे माफी मांगूं। उनकी बेचैनी को देखकर अल्लाह ने उनको अल्फाज भी सिखा दिए, इतने बेचैन है अल्लाह ये गलत हो गया। जिना नहीं हुआ, शिर्क नहीं हुआ, चोरी नहीं हुई, एक मामूली सी गलती, वो भी इज्तिहादी गलती थी। शैतान, उलमा कहते हैं कि शैतान ने ये बहकाया कि अल्लाह ने ये जो कहा है ना इस दरख्त से मत खाना, तो मतलब ये सिर्फ ये वाला दरख्त, इस टाइप के दूसरे जो है ना उनसे खा सकते हो। जैसे हमें कोई कहे भाई आम के दरख्त से मत खाना, तो मतलब वो तक कहीं भी आम नहीं खाना। तो कहते हैं कि शैतान ने इस तरह वलगलाया कि वो जो अल्लाह ने कहा ना ये वाला, तो मुराद ये वाला, दूसरा खा सकते हो। तो और फिर शैतान ने उसके फजाइल बयान किए कि वो दरख्त जो अल्लाह ने रोका है ना, वो इसलिए कि उसे जब खाओगे ना तो हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। तो ऐसी वो बातें करके ना शैतान ने चिकनी चपड़ी बातें करके अब्बा को भी, हमारी अम्मा को भी, दोनों को, ठीक है, दोनों ने मशवरा किया भाई क्या ख्याल है भाई। तो जैसे ही खाया है, अल्लाह ने सबसे पहले दोनों का लिबास छीन लिया और दोनों दरख्त के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने लगे, हालांकि दोनों का पर्दा नहीं था, मियां बीवी थे। मगर इससे क्या पता चलता है कि आम हालत में मियां बीवी को भी हया के तकाजों के मुताबिक रहना चाहिए। जब मियां बीवी को रहना चाहिए आम हालत में, तो फिर बहन भाइयों को तो और ज्यादा रहना चाहिए। आजकल बहनें अपने भाई के सामने ऐसा लिबास पहन के बैठती हैं कि शर्म आ रही होती है। बेटी बाप के सामने अजीब से लिबास में आके बैठ जाएगी। भाई बाप का तो बड़ा एहतराम है, बेटी को चाहिए कि बाप के सामने तो प्रॉपर ड्रेस में बैठे। खैर, तो आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत में क्या पैदा हुआ? बहुत परेशान कि कैसे मनाऊं अल्लाह को, क्या हो गया। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, अल्लाह फरमाते हैं आदम ने उचक लिए अल्लाह से, उचक लिए कलिमात। उचकना क्या होता है कि अल्लाह ने जब उनको उनके दिल में डाले तो बस उन्होंने जल्दी से याद कर लिए, तो बड़े खूबसूरत कलिमात हैं, इसके जरिए अल्लाह से तोबा करता हूं। वो क्या थे? दोनों ने मिल के दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब, हम दोनों ने अपने अपनी जान पर जुल्म किया है। जब गुनाह इज्तिमाई हो तो तोबा भी कैसी होनी चाहिए? इज्तिमाई होनी चाहिए। दोनों से गलती हुई है, अल्लाह हम दोनों ने अपनी जान पर जुल्म किया, तेरा कोई नुकसान नहीं किया। वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर तूने हमारी मग़फ़िरत नहीं की, हमें माफ़ ना किया, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। एतराफ़ जुर्म भी है और अपनी कसम पुरसी को भी बयान किया जा रहा है कि हम भिखारी हैं, हम भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं। ये नहीं बताया कि हम तोबा के मुस्तहिक हैं। ए अल्लाह, ये तो होता है, क्या हो गया अगर एक दफ़ा गलती हो गई तो? उन्हें भी तो जन्नत से निकाल दिया पकड़ के, और ये कोई हो गई ना, सज़ा मिल गई ना, कपड़े छीन लिए ना, उजर नहीं पेश कर रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं सुम्म जतबाहु रब्बुहु, फिर उसके रब ने उसको दोबारा सेलेक्ट कर लिया। फताब अलैहि वहदा, तोबा भी कबूल की और आइंदा फिर गलती से बचाया भी, हदा सीधे रास्ते पे चला दिया।
तो अल्लाह ताला क्यों फरमा रहे हैं सूरह आले इमरान में कि मैंने आदम को मुंतखब किया सबसे पहले इस कायनात में, ये बताने के लिए कि तुमने किसके तरीके को फॉलो करना है। बोलो भाई, आदम अलैहिस्सलाम के तरीके को फॉलो करना है। सियासतदानों को फॉलो नहीं करना, सियासतदानों को सिर्फ वोट देने हैं आपने, जो अच्छा लगे उसको दे दें, बस फॉलो नहीं करना। कोई भी अच्छा नहीं लग रहा तो जो कम दर्जे का बुरा लग रहा है उसको दे दें। भाई दो बदमाश हैं तो जो कम दर्जे का बदमाश है उसको दे दें, और दें ज़रूर वोट, क्योंकि वोट नहीं देंगे अगर तो बड़ा बदमाश आ जाएगा फिर तो। लेकिन फॉलो नहीं करना, फॉलो सिर्फ अंबिया को और उन उलमा को जो अंबिया के रास्ते को फॉलो कर रहे हैं।